आपने तो पहले ही हाथ उठा लिया, मैं तो आप ही के पास आ रहा था, मेरे लेकिन आपने पहले ही हाथ आप उठा लिया। सवाल कर लीजिए फिर बताता नहीं हूं नहीं मैं क्यों हाथ सवाल कर ही नहीं रहा, उठाया। जब आप पहले ही तय करके बैठे हैं कि आपको प्रेस स्टेटमेंट देना है तो आप दे लीजिए पहले, फिर सवाल पूछ लूंगा मैं। नहीं, मेरा सीधा सीधा सा एक ही जुमला कहना है कि एक तो मैं तारिक फतेह साहब जैसे किसी भी आदमी के साथ मैं स्टेज शेयर नहीं करता, कोई प्लेटफॉर्म शेयर नहीं करता। ये मेरा स्टेडी स्टैंड है कई साल से, मुझे मालूम नहीं था आज तारिक भाई भी, तारिक साहब यहाँ मौजूद तो है, चले नहीं होता, जाइए, नंबर एक। चले जाइए। दूसरी बात, हाँ मैं जा ही रहा हूँ भाई, आपके आपसे हाँ पूछने की कोई जरूरत बैठे नहीं है आप। भाई। आप जैसे इंसान से मुझे तो गुफ्तगू भी नहीं करनी, शर्म आती देखिए है मुझे तस्लीम आपसे रहमानी, बात करते हुए। तस्लीम मुझे रहमानी, मैं सीधे से तस्लीम रहमानी, जी आप अपने आप को एक जी लिबरल मुसलमान के तौर पे पेश करते हैं कहां हिंदुस्तान से में, कहां के तो लिबरल आप, साहब। नहीं, आपका नहीं लिबरलिज्म तो यही अभी बेनकाब हो गया ना, एक सेकंड नहीं के वो ठीक अंदर, है, जहां वो मेरी आपने कह चॉइस दिया कि है। मैं दूसरे इस व्यक्ति के साथ मंच शेयर नहीं कर सकता, हाँ ये मेरी क्योंकि वो चॉइस कुछ है, ऐसी मैं दो बातें तीन बोल देगा शायद मैं जिनका आपके पास जवाब नहीं होगा। नहीं ऐसे बात और नहीं है, अगर आप जवाब वाकई कहाँ लिबरल देना हैं है, और अगर आप वाकई अपने आप बदतमीजी को का। बताते हैं कि आप स्कॉलर हैं, तो फिर बैठ के स्कॉलर तरीके से बहस कीजिए ना, सुनिए चर्चा कीजिए उनके सुनिए साथ, रोहित, दिक्कत क्या है इसमें? दो और अगर तीन आपको लोग हैं लगता है आप जिनके उनसे पास बात नहीं कर वो सकते, क्यों मैं नहीं हूं ना जाते, बीच में, क्यों नहीं आप मुझसे बात कीजिए, जाइए उनसे ना, मत बात कीजिए सीधे। मैं दो तीन लोगों के बारे में ये जानता हूं कि उनसे बात करना मेरे लिए मुनासिब नहीं तस्लीम है, मेरी साहब, मैं बेइज्जती पहली है, चीज, इसलिए मैं नहीं करता हूं। मैं मैं आपसे उसको केवल नहीं इतना दे, कह रहा हूं, आप मुझसे मुझसे घर बात की कीजिए बिरयानी ना, बिरयानी बनी हूं, आप तारिक फतेह से मत बात कीजिए, आप मुझसे बात कीजिए, मैं सीधे सवाल पूछूंगा आपसे, नहीं नहीं आप मेरे मेरे सवालों पास का जवाब जवाब दीजिए। देंगे तो मैं जवाब तो दूंगा ना। हाँ बिल्कुल तारिक नहीं नहीं साहब, मैं मैं इंसान कह रहा बिल्कुल हूं, आपस मैं में बात ना बिल्कुल हो इंसान ना, हूं। आस्तीनों में तस्लीम ये रहमानी, बारे में असल बताओ में क्या कि होगा ना कि अब ये समझा जाएगा कि तारिक फतेह की आड़ लेके आप एक बड़े मुद्दे से भाग रहे हैं। नहीं हरगिज नहीं, जाने मुझे इस दीजिए, मुद्दे से भागने, मैं आज सारा शाम इस मुद्दे पे बात कर रहा हूँ, दोपहर से कर रहा हूँ, भागने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एक हमारे यहाँ फारसी में कहावत मशहूर है, जवाबे जाहिला आपके बशर यहां खामोश, फारसी, तो हमको आपकी खामोश फारसी रहना, कहां से आ तो गई? हमारे फारसी हमारे लिए का क्या खामोश रहना ताल्लुक है? ज्यादा जरूरी है। अब देख अभी लीजिए, के ये गुलाम देख रहे लीजिए हो ना, फारसियों में। तस्लीम रहमानी, मैं मेरा कहना इंसान यह हूँ, है, मेरा कहना यह है, मैं भैया आपसे आपकी सवाल पूछ रहा भैया हूं, तारिक ईरान, साहब, तारिक साहब, तारिक साहब, थोड़ा सा रुक जाइए, मैं थोड़ा सा रुक जाइए, देखिए एक ये सेकंड। मैं तस्लीम रहमानी, ये पहली सवाल चीज इस्तेमाल सुनिए किसी के मेरी बात, बारे में नहीं नहीं तस्लीम करता, साहब सुनिए लेकिन मेरी मैं एक बात, बदतमीज आदमी नहीं के मुंह तस्लीम नहीं बैठा रहमानी, था। पहली फारसी चीज तो अब मैं आपको उर्दू में बोल मैं एक देता हूँ, चीज साफ कर मैं देता उर्दू में बोल हूं, देता हूँ तस्लीम कि मैं एक रहमानी, मैं बदतमीज आपको एक आदमी के चीज मुंह साफ नहीं कर लगता देता हूँ। हूं, इस पैनल पर किसी भी व्यक्ति को, किसी दूसरे व्यक्ति को इस तरीके से बेइज्जत करने की अनुमति मैं नहीं दे सकता। आपको अगर हाँ लगता है आपको बिल्कुल, दूसरे को बेइज्जत करना, आप उठ के जा सकते हैं, मेरी तरफ से आपको हम कोई रोक बेजार, नहीं है, लेकिन मैं मैं इसको जा यह नहीं चाहता। समझूंगा कि आप झूठ के लिबरल हैं, फिर आप फर्जी लिबरल नहीं हैं। नहीं नहीं, आप फर्जी मैं लिबरल लिबरल हैं, हूं या नहीं नहीं हूं, नहीं फर्जी मुझे लिबरल किसी है, मैं किस्म आपके का, सामने कह रहा हूं, पीठ पीछे नहीं कह रहा, मुझे कोई आपके जाने के तबका बाद नहीं नहीं कह रहा, चाहिए आपके सामने लिबरल बैठ के होने कह रहा का। हूं, अगर आप सही मानों में लिबरल होते, दूसरे को सुनने की हिम्मत रखते और बैठ नहीं के नहीं मुझे डिफेंड सब करते तो, उस आरिफ अरे मसूद को और उस व्यक्ति को जो कि मुंबई में पोस्टर लगवा रहा था सड़क पे मैक्रों के, आप बैठ के मैं डिफेंड संबित करते? पात्रा को जब सुन लेता हूं और उनके साथ कर लेता हूं नहीं, डिबेट, इसका तो फिर मतलब तो फिर ये हो गया कि किसी के आप साथ, ही खलीफा हैं लेकिन और बाकी लेकिन सारे में से कोई इस लायक नहीं है जिससे बात की जाए। नहीं सर, नहीं ऐसे मैंने आदमी से मैं कहा भी कि बात नहीं कर सकता फिर। नहीं, मैं तो सॉरी संबित पात्रा से सॉरी बात कर लेता हूं, सॉरी तो सर, ये सॉरी सर, लेकिन मैं आप मेरे इनको इस सामने लायक मिसाले नहीं मत समझता। रखिए, मैं आपको केवल ये कह रहा हूं, अगर आपका मैं स्टांस इस तारिक तरीके का फतेह को है इस लायक तो नहीं समझता आप कि मैं इस उससे लायक बात नहीं है करूं। कि आपसे समाज में कोई बात करे सर, प्लीज। नहीं नहीं, वो आप ठीक है, अकेले वो आप बैठिए, तय अपनी कर लीजिए, तकरीरें लेकिन करिए, प्रेस मैं कॉन्फ्रेंस बुला तारिक कीजिए, फतेह कोई और आए तो तस्लीमा सुन नसीम लीगा। से, नहीं तो मैं नमस्ते तारिक आप। फतेह और नहीं तस्लीमा सर, नसीम नमस्ते जैसे है, मेरी लोगों से तरफ से बात नहीं आपको करता ये मैंने हाथ जोड़े, जी। नमस्कार, धन्यवाद, बहुत नमस्ते बहुत आभार आपका, नमस्ते धन्यवाद दूसरे का अपमान आभार। करने की अनुमति आपको नहीं दे सकता मैं, नहीं नहीं इस तरीके मैं से तो बिल्कुल बदतमीजों नहीं, के और ये कहते हुए नहीं, कि नहीं मैं लिबरल हूं तब तो बिल्कुल नहीं, ये आपके नहीं लिबरल होने की पोल खोलता है, अभी के अभी खोल चुकी पोल आपकी, अभी के मैं अभी। किसी बदतमीज आदमी, ये अरे बदतमीज अभी तो किसी इंसान ने है बात और नहीं की मैं आपसे, बदतमीज इंसान आप के मुंह बदतमीजी नहीं का रखता। सर्टिफिकेट अपने हाथ में लेके अरे बैठे हैं ये और मैं बदतमीजी तारीख आप मालूम, लगातार मैं कर रहे हैं इनकी तब से जब तारीख से बोला मालूम, शुरू किया इनकी आपने, तारीख मालूम है, आप लगातार बदतमीजी कर रहे हैं, दूसरे को गाली एक देते हुए भगोड़ा पेड और खुद एंटी को आप इस्लामिस्ट, लिबरल बताते हैं। एक भगोड़ा पेड एंटी इस्लामिस्ट है, उससे मैं बात नहीं कर सकता। आप आधा जिस संगठन के लिए क्यों काम करते हैं मैं उसके ऊपर क्या क्या आरोप है तस्लीम रहमानी, उसके बारे में अगर बताने लगूंगा तो लोग आपको भगोड़ा नहीं आतंकवादी कहने लगेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।